दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ज़िरोधा में MIS ऑर्डर कैसे लगाते हैं और MIS ऑर्डर लगाते वक्त बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ज़िरोधा के अंदर, जैसे मार्केट, लिमिट, SL, SLM, रेगुलर, BO, CO, AMO, डे एंड IOC। तो इन सभी ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, जब आप MIS में ऑर्डर लगाते हैं तो इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। एक बार में अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो इसे 2 से 3 बार आप देख लें, क्योंकि यहां पर आपके पैसे का मामला है और आप अपनी पैसा लगा रहे हैं और पैसा कमाने के लिए। तो अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इजिली MIS ऑर्डर लगा पाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं लेकर चलता हूं आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पर हम आ गए हैं ज़िरोधा के काइट लॉगिन पे। यहाँ पर आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पिन पूछेगा, पिन आपको एंटर करके उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ज़िरोधा का काइट डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन हो गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ज़िरोधा की जो काइट ऐप है और जो इनकी वेबसाइट है, दोनों पे ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम मिलते हैं, ऑप्शन को लेकर कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो ऑप्शंस आपको यहाँ लैपटॉप पे मैं दिखाने वाला हूँ वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको ऐप में भी उसी तरह से दिखाई देंगे जिस तरह से आपको यहाँ पर लैपटॉप पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी ट्रेड करने के लिए आपको फंड ऐड करना होता है। तो अगर आपको फंड ऐड करना नहीं आता तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं यहाँ पर आपको फंड ऐड करके नहीं बताऊंगा, बाकी मेरे बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी मैंने फंड ऐड करके बताया हुआ है। तो यहाँ पर अब आप सबसे पहले चलते हैं ऑर्डर्स के अंदर। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है अभी ब्लैंक है, तो सबसे पहला ऑर्डर हम कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिस स्टॉक पे हम MIS ऑर्डर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं ट्रेड है आज की वो लेता हूँ ICICI बैंक के साथ में। तो यहाँ पर जो भी आपको स्टॉक लेना है अगर वो लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, उस स्टॉक को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टॉक ऐड करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है, तो मैंने यहाँ टाइप किया डीमार्ट। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, NSE और BSE। तो आपको जिसको भी ऐड करना है उसको यहाँ पर प्लस पे जाके ऐड कर लीजिए, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आप नीचे देखिए डीमार्ट ऐड हो गया, मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ तो ये डीमार्ट आ गया है। तो यहाँ पर डीमार्ट का स्टॉक आ गया। तो इस तरह से जो भी स्टॉक आपको ट्रेड करना है उस स्टॉक को आप इजिली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और उसका आपको अगर पोजीशन चेंज करनी है तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से आप उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमने बात करी थी ICICI की। तो अभी स्टॉक में अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपको बी बाय एस सेल, तो हमें क्या करना है, बाय करना है। तो बी बाय पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है कुछ इस तरह की। यहाँ पर मैं मोर ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। ऊपर दिख जाता है आपको MIS एंड CNC, यहाँ मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, यहाँ पर ये GTT के थ्रू आपका स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे ऑर्डर मिल जाते हैं, रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और ये है डे, और ये इमीडिएट और कैंसिल। तो इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक एक ऑप्शन मैं आपको समझाने वाला हूँ, लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो CNC के लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, कंप्लीट वीडियो है, जिसको आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ आई बटन पे भी जाके आप उसे चेक कर सकते हैं बाद में। पहले समझते हैं MIS। तो मैं MIS पे क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ जैसे ही मैंने MIS पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑर्डर हट गया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। कौन सा ऑर्डर, मैं वापस से क्लिक करके बताता हूँ आपको। CNC पे क्लिक किया तो ये जो GTT ऑर्डर का फीचर अभी ज़िरोधा लेके आया है वो सिर्फ आपको मिलता है CNC में, यानी कि जो डिलीवरी के लिए आप ट्रेड करते हैं उसमें ऑप्शन मिलता है। लेकिन जब आप MIS पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो MIS के लिए जो ऑप्शन मिलते हैं आपको, बाकी के सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं MIS के लिए। तो यहाँ पर एक बार हम सारे के सारे ऑप्शन काइट ऐप में भी देख लेते हैं कि क्या काइट ऐप में जो ऑप्शन है वो अलग है या सेम है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि काइट ऐप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो सेम ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट में CNC और MIS आ रहा है। ऑर्डर टाइप में चारों ऑर्डर टाइप आपको दिख रही है। वेराइटी जो है उसमें आपको नीचे रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, AMO ऑर्डर दिख रहा है, और नीचे डे और IOC मिल रहा है। इसके साथ साथ नीचे आपको मिल जाती है डिस्क्लोज क्वांटिटी। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ साथ नीचे आपको यहाँ पर जो ये मार्जिन दिख रहा है, ये मार्जिन आपको यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, और यहाँ पर भी आ रहा है कि मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है। तो ये अप्रोक्स आपको ऐप में ये मार्जिन नीचे की साइड में मिल जाता है। एक एडिशनल बेनिफिट और मिलता है आपको कि ऐप के अंदर आप देखते हैं तो आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है अकाउंट में, वो आपको और मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ वेब पे नहीं मिलता है। लेकिन वो आप चीज यहाँ पर जाकर आपका फंड्स यहाँ पर दिख रहा है, फंड्स में जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके पास फंड कितना अवेलेबल है, और उसके बाद आप जो भी ट्रेड है वो इजीली कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप ऐप यूज करें चाहे आप
आपने लैपटॉप में यूज करें, दोनों जगह आपको ऑप्शन सेम मिलने वाला है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि MIS में आप ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर हमने सेलेक्ट कर लिया है MIS। MIS का मतलब ये होता है कि मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए एक्स्ट्रा लिवरेज मिलती है ज़ेरोधा की तरफ से, यानी कि आपको कम पैसे में ज्यादा स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर आप देखिए कि 354 रुपए के आसपास का ICICI बैंक ट्रेड कर रहा है और आपको एक शेयर बाय करने के लिए मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, सिर्फ 70 रुपए के आसपास। तो इस तरह से आपको लिवरेज मिल जाती है, कम पैसे में आप ज्यादा स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अब MIS के अंदर क्या होता है कि जब भी आपका मार्केट क्लोज होता है तो उससे 5 मिनट पहले, यानी कि लगभग ज़ेरोधा जो है वो 3:25 और 3:20 पे स्क्वायर ऑफ कर देता है आपकी पोजीशन। तो याद रखिएगा, जो भी आप ट्रेड MIS में करते हैं तो आपको क्या है कि 3:20 3:25 आप अपना टारगेट मान लीजिए कि 3:25 से पहले पहले आपको क्या करना है, अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देना है अपनी। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये पोजीशन आपकी ज़ेरोधा ने स्क्वायर ऑफ करी, उनके ऑटोमेटिक सिस्टम से हुई, तो वहां पर आपको 50 रुपए प्लस GST आपको एडिशनल पे करने पड़ेंगे पर ट्रांजेक्शन। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे और क्या क्या ऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डे ऑर्डर क्या होता है और IOC ऑर्डर क्या होता है। डे का मतलब होता है कि जो भी ऑर्डर आपने लगाया, सपोज करो बाय का एक ऑर्डर आपने लगाया, तो वो पूरे दिन में वैलिड रहेगा। जबकि IOC होता है इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि आपने जो भी प्राइस लगाई, अगर उस प्राइस पे वो स्टॉक मिल रहा होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस ऑर्डर को आपको करके बताता हूँ। सपोज करो मुझे एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। लिमिट ऑर्डर क्या प्लेस किया मैंने, 354.30 रुपए की प्राइस चल रही है और मैंने बोला मुझे ये स्टॉक जो चाहिए, मुझे चाहिए 352 रुपए में, मुझे कम प्राइस में चाहिए, मैं तो ज्यादा प्राइस में नहीं खरीदूंगा। ध्यान से समझिएगा, 354 की प्राइस चल रही है, मैंने ऑर्डर लगाया 352 का, लिमिट लगा दी ना, मैं अपनी प्राइस पे बाय करना चाहता हूं तो मैं हमेशा क्या लगाऊंगा, लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, रेगुलर पे क्लिक करके IOC ऑर्डर लगाता हूं। बाय किया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो गया, यानी इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि इमीडिएट या तो एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे, इसको वापस बाय पे क्लिक करते हैं, मोर ऑप्शंस में जाते हैं, तो ये क्लियर होगा इमीडिएट और कैंसिल। लेकिन यही चीज अगर मैंने 352 का ऑर्डर लगाया होता, किसके लिए, डे के लिए, तो ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होता। कैसे, ये भी करके दिखा देता हूं आपको। तो क्या किया मैंने, लिमिट ऑर्डर लगाया 352, मैं मेरी चॉइस पे खरीदना चाहता हूं कि 352 रुपए की प्राइस पे, रेगुलर ऑर्डर है मेरा, पूरे दिन के लिए वैलिड रहना चाहिए। बाय, आप ऊपर देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है, यहां पर ऑर्डर प्लेस हो गया है कि 352 रुपए की प्राइस में ये MIS ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको दोनों का डिफरेंस कि IOC ऑर्डर क्या होता है, इमीडिएट और कैंसिल, और डे ऑर्डर क्या होता है, पूरे दिन के लिए लगा रहता है, तो मैं इसको लगा के रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ऑर्डर प्लेस करते हैं बाय, मोर ऑप्शंस में। अब यहां पर समझ लीजिए ऑप्शन क्या है, जब मैंने मार्केट पे क्लिक किया तो यहां पर जो प्राइस का ऑप्शन है, देखिए डिसेबल हो गया है। तो यहां पर मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है उस प्राइस पे आपका जो स्टॉक है वो बाय हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मैं ये क्वांटिटी बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस करूंगा तो जैसे 354.30 रुपए पे जो प्राइस चल रही है वो इसी प्राइस पे बाय हो जाएगा ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर लगाना है आपको, डे ऑर्डर लगाना है, तो मार्केट ऑर्डर पे मैं एक ऑर्डर प्लेस करके बताता हूं आपको। बाय देखिए, इमीडिएटली क्वांटिटी बाय हो गई है, 354 रुपए की क्वांटिटी बाय हो गई है। अब इसी क्वांटिटी को एग्जिट करना है तो सबसे पहले मैं पोजीशंस में जाता हूं। तो यहां पर देखिए मेरा एक ऑर्डर प्लेस हो गया है, तो अब मुझे अगर इसे एग्जिट करना है तो यहां पर मुझे इन 3 डॉट पे क्लिक करना है, एग्जिट पे बटन पे दबाना है, और यहां पे मुझे क्या करना है, मैं चाहे तो मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर सकता हूं या मैं इस ऑर्डर को मैं लिमिट लगा के भी एग्जिट कर सकता हूं। तो लिमिट पे मेरी प्राइस आ जाएगी 354.80 रुपए चल रहा है, मैं यहां 355 रुपए पे एग्जिट करना चाहता हूं तो मैं 355 रुपए पे कर दूंगा, तो ये मेरी प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। बाकी ऑर्डर सेम रहेगा रेगुलर डे का, लेकिन अगर आपको मार्केट में ही बेचना है कि नहीं मैंने तो मार्केट में खरीदा था, मैं तो मार्केट में ही बेच दूंगा, तो ठीक है मार्केट प्राइस में निकाल देते हैं सेल, ये ऑर्डर क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो अब यहां जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यानी कि मैंने मार्केट प्राइस में ही बाय किया था और मार्केट प्राइस में ही सेल कर दिया, तो ये ऑर्डर क्लियर हो गए। अब हम वापस से एक ऑर्डर और प्लेस करते हैं बाय का। तो पहला ऑर्डर हमारा क्लियर हो गया, MIS के अंदर हमने मार्केट प्राइस पे बाय किया, जो भी प्राइस मार्केट में चल रही थी और उसी प्राइस पे हमने उसको सेल कर दिया। ठीक है, ये पहला टाइप का ऑर्डर हो गया। दूसरा लिमिट ऑर्डर लगाता हूं मैं लिमिट क्या लगाता हूं कि 355 रुपए के आसपास की प्राइस पे मुझे ये ऑर्डर जो है वो बाय हो जाए। क्या है, रेगुलर ऑर्डर है पूरे दिन के लिए, 355.35 रुपए ऐसे प्राइस चल रही है तो मैं इस ऑर्डर को प्लेस करता हूं। तो मैंने यहां ऑर्डर प्लेस किया, तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी 2 ऑर्डर प्लेस्ड है मेरे ऑलरेडी।
₹355.20 वो चल रही है, यहाँ पर ₹355, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया ये ऑर्डर जो अभी हमने ₹355 का लगाया था। इस ऑर्डर को मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि पुराना ऑर्डर है, तो इस पे आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है, इस ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल ऑर्डर, तो इस तरह से ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो ये ₹355 की प्राइस पर हमने बाय किया लिमिट ऑर्डर लगा के। तो यहाँ पर हम चलते हैं पोजीशन के अंदर, पोजीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि एवरेज प्राइस आपकी आ रही है ₹354.68, जबकि हमने बाय कितने में किया था ₹355 में। ये क्या करता है ज़ेरोधा कि आपने आईसीआईसीआई बैंक में अभी तक जितने भी ट्रेड किए हैं पूरे दिन में, यानी कि उस स्टॉक में और उसी स्टॉक को दोबारा आप बाय कर रहे हो, तो वो उसको एवरेजिंग दिखाता रहता है कि आपके आज दिन का प्रॉफिट पता लग जाए आपको। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने क्या प्रॉफिट कमाया था क्या नहीं कमाया था, लेकिन ऑन एन एवरेज अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको सामने दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, इसको भी एग्जिट करने का एक ही तरीका है। यहाँ पर आप ऑप्शंस में जाओ, एग्जिट पे क्लिक करो, और जो भी आपको मार्केट प्राइस में बेचना है, लिमिट में बेचना है, जो भी ऑर्डर आपको लगाना है वो ऑर्डर आप लगा के एग्जिट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये लगा दिया कि ₹355.25, मैंने लिमिट में परचेस किया था याद कीजिएगा, और मैं लिमिट में ही वापस इसको सेल कर रहा हूं, तो ये मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया। ऑर्डर में जाता हूं, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो यहां पर अभी तक हमने क्या देखा, यहां पर हमने मार्केट ऑर्डर लगा के देख लिया कि मार्केट ऑर्डर आप लगाएंगे उसके बाद आप मार्केट ऑर्डर में ही सेल कर देंगे, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे लिमिट ऑर्डर में ही सेल कर देंगे, या फिर आप मार्केट ऑर्डर लगा के उस ऑर्डर को लिमिट में भी सेल कर सकते हैं, या लिमिट ऑर्डर लगा के उसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको मार्केट और लिमिट ऑर्डर का डिफरेंस पता चल गया। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की। तो यहां पर जब भी कोई स्टॉक आपको अपर प्राइस पे बाय करना है तो भी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जनरली आपको नाम से ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस के लिए है, लेकिन ये अगर आपको अपर प्राइस पे बाय करना है तो भी ये काम करता है। कैसे काम करता है इसको समझते हैं, मैं इसका एक बार चार्ट भी ओपन कर लेता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है। अब आपको लगता है कि ये 360 के ऊपर जाएगा, मैं यहां देखता हूं कि 360 के ऊपर अगर जाएगा तो क्या है कि मुझे बाय करना है, अदरवाइज उससे पहले तो मार्केट वोलेटाइल है, ये नीचे भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। ऑर्डर कैसे लगाना है कि मुझे क्या कितने पे बाय करना है, ₹360 की प्राइस में। अभी कितना चल रहा है, ₹355.85 इस रेंज में चल रहा है, तो मुझे बाय करना है ₹360 में। अभी ट्रिगर प्राइस क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ट्रिगर प्राइस को लेकर। तो ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ₹359.50, तो अब क्या होगा कि जैसे ही आपके स्टॉक की प्राइस जो अभी ₹355.45 चल रही है, ये ऊपर बढ़ते बढ़ते जैसे ही ₹359.50 पे आएगी, आपका ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा, और जैसे ही प्राइस आपकी ₹360 पहुंचेगी तो आपका स्टॉक जो है वो बाय हो जाएगा। तो मैं बाय पे क्लिक करता हूं, तो बाय ऑर्डर प्लेस हो गया। यहां पर ऑर्डर पे आप जाएंगे तो यहां देखिए लिखा हुआ है कि अभी एलटीपी चल रही है, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी चल रही है, ₹355। आपकी ट्रिगर प्राइस क्या है, ₹359.50, यानी कि आपका स्टॉक बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, ₹359.50 पे पहुंचा, तो आपका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज को जाएगा, और जैसे ही 360 पहुंचेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो आपको यहां पर क्लिक करना है तीन डॉट पे, मॉडिफाई पे क्लिक करना है। यहां पर अब मैं इसकी प्राइस थोड़ी सी रिवाइज करता हूं ताकि आपको ऑर्डर लगा हुआ दिख जाए। मैं यहां डालता हूं ₹355.35 पे ये ट्रिगर हो जाएगा, और ₹355.40 पे ये ऑर्डर मुझे मिल जाएगा, यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने 45 कर लीजिए, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं, ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया। पोजीशंस में चलते हैं, यहां पर आपके पास फिर एक स्टॉक आ गया है, एक ऑर्डर और मैं लगा लेता हूं आईसीआईसीआई बैंक का। तो यहां पर अभी हमने समझा कि स्टॉप लॉस के थ्रू भी आप अपर प्राइस पे बाय कर सकते हैं। उसमें आपको दो प्राइस डालनी होती है, एक ट्रिगर प्राइस और दूसरी प्राइस जिस प्राइस पे आपको बाय करना है। सेम वे में जब आप SLM पे क्लिक करते हैं यानी स्टॉप लॉस मार्केट पे, तो आपकी प्राइस हट जाती है, डिसेबल हो जाती है, आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन मिलता है। यानी कि अगर अभी प्राइस चल रही है ₹355.80 और मैं यहां पर डालता हूं ₹355.90 डालता हूं मैं इसको, तो ₹355.90 जैसे ट्रिगर प्राइस आएगी, ट्रिगर एक्सचेंज को जाएगा, और जो भी मार्केट में उस वक्त प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पे आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। ठीक है, यहां पर रेगुलर ऑर्डर है, डे ऑर्डर है, मैं इसको डालता हूं बाय ऑर्डर प्लेस किया मैंने। ऑर्डर में चलते हैं, ये देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो वापस पोजीशन में चलते हैं, यहां पर दो शेयर हो गए हैं अब, और एवरेज प्राइस हो गई वो 355.15 की हो गई है। तो इस तरह से आप अपर प्राइस पे बाय करने के लिए SL और SLM को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अभी मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट प्राइस में हमने बाय किया, मार्केट प्राइस में सेल कर दिया, लिमिट प्राइस में बाय किया, लिमिट प्राइस में सेल कर दिया। मार्केट प्राइस में बाय करके आप लिमिट प्राइस में सेल कर सकते हैं,
और लिमिट प्राइस में बाय करके और मार्केट प्राइस में सेल कर सकते हैं। सेम वे में अपर प्राइस पे बाय करने के लिए हमने SL और SLM का यूज किया, तो ये तो हो गई बाय करने के लिए। लेकिन इसके बाद अब हमें स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट, तो यहां पर अब हम मैनुअली स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पोजीशंस के अंदर जाना है और यहां पर तीन डॉट पे क्लिक करना है और यहां पर एग्जिट पे क्लिक करना है। तो अब सबसे पहले हमें लगाना है टारगेट। तो टारगेट लगाने के लिए आपको करना क्या है, यहां पर रेगुलर और डे रहेगा, दो क्वांटिटी है, लिमिट ऑर्डर पे जाना है। टारगेट हमेशा लिमिट ऑर्डर पे लगेगा, याद रखिएगा। लिमिट ऑर्डर में क्या करना है, अभी प्राइस चल रही है 356.45, मैं यहां पे करता हूं कि 358 रुपए जब प्राइस जाए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं यहां पे सेल पे क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर आप ऑर्डर्स में आएंगे तो आप देखेंगे एक टारगेट ऑर्डर लग गया है कि 356.20-25 की प्राइस चल रही है, 358 रुपए जैसी प्राइस आती है तो मेरा स्टॉक सेल हो जाना चाहिए। तो ये तो टारगेट ऑर्डर हो गया। अब एक ऑर्डर और लगाते हैं जो कि होगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। उसके लिए चलते हैं वापस से पोजीशन में, तीन डॉट पे जाना है, एग्जिट पे क्लिक करना है। अब हम लगाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। पहले हमने इस स्टॉप लॉस को यूज किया था अपर प्राइस पे बाय करने के लिए, अब हम स्टॉप लॉस को यूज कर रहे हैं किसी ऑर्डर पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, अपने लॉस को कम करने के लिए। तो प्राइस हमारी क्या है, एवरेज प्राइस 355.15। अब हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं, तो लेट सपोज 353 रुपए अगर जाता है तो मेरा जो स्टॉक है वो सेल हो जाना चाहिए। लेकिन ट्रिगर कब हो, क्योंकि मैंने SL लगाया है तो ट्रिगर कब हो, तो ट्रिगर इससे ऊपर आएगा। कैसे आएगा बताता हूं उसको, 353.50, यानी कि जब आपकी प्राइस 355.75 से गिरते गिरते 353.50 पे आएगी तो आपका जो ऑर्डर है एक्सचेंज को जाएगा, और जैसे 353.50 से गिर के 353 आएगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया, इसको मैं सेल पे दबाता हूं बटन, उसके बाद मैं ऑर्डर्स में जाता हूं। तो यहां पर दो ऑर्डर लग गए आपके, पहला लग गया टारगेट ऑर्डर, ये रहा नीचे कि 355.95 का स्टॉक है, अभी LTP चल रही है, 358 रुपए जाएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी रही और ये अचानक से गिर गया तो क्या होगा, 353.50 पे एक्सचेंज को जाएगा और 353 पे ये सेल हो जाएगा। अभी कितना चल रहा है, 356 चल रहा है। तो इस तरह से आप टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते। तो ये हमने अभी देखा कि मैनुअली आपने किस तरह से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया, किस तरह से टारगेट ऑर्डर लगाया। इसका एक ऑप्शन और है जिसमें आप एक ही ऑर्डर के अंदर आपका बाय ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर तीनों लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी होती है तो वो ऑर्डर जनरली लगता नहीं है। तो इसलिए आपको ये ऑर्डर समझ में आना चाहिए कि आप मैनुअली स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है, अब आपको इसको ऑर्डर को मॉडिफाई करना है कि मैं करता हूं टारगेट ऑर्डर को मॉडिफाई करता हूं। एक बार यहां मैंने मॉडिफाई किया, अब मैं कहता हूं मार्केट प्राइस में सेल हो जाए, मेरे को ज्यादा वेट नहीं करना तो मैं मार्केट ऑर्डर में ही इसको सेल कर देता हूं। तो यहां गए मार्केट में, गए मॉडिफाई पे क्लिक किया, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्डर बचा जो कि हमारा ट्रिगर पेंडिंग है, जबकि अगर आप पोजिशन में देखो तो पोजिशन तो जीरो हो चुकी है। जब पोजिशन जीरो हो चुकी है तो यहां जो ऑर्डर लगा हुआ है हमारा ट्रिगर ऑर्डर, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको इसको क्या करना है, मैनुअली कैंसिल करना। ये याद रखिएगा, आपको मैनुअल कैंसिल करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम समझ लेते हैं कि अभी हमने क्या बात कर ली, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, SL, SLM, ये चार ऑर्डर में बाय करके देख लिया हमने, इनको हमने सेल करके भी देख लिया, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा लिया, टारगेट ऑर्डर भी लगा लिया। अब नीचे है कुछ ऑप्शंस ब्रैकेट ऑर्डर के, कवर ऑर्डर के, AMO के। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं AMO ऑर्डर की। AMO ऑर्डर होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर को आप मार्केट क्लोज होने के बाद में लगा सकते हैं, जिसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाइए और चेकआउट कर सकते हैं कि AMO ऑर्डर क्या होता है, कब लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है, ये सारी की सारी डिटेल उस वीडियो में मैंने बना रखी है। अब बात कर लेते हैं ब्रैकेट ऑर्डर की और कवर ऑर्डर की। तो जैसे आप ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं, यानी कि आप ब्रैकेट ऑर्डर जो है वो सिर्फ MIS में लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपको मार्केट ऑर्डर और SLM ऑर्डर लगाने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, सिर्फ आप लिमिट या स्टॉप लॉस, ये दो चीजें लगा सकते हैं, क्लियर। यहां पर क्या होता है कि SL में आपको ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि लिमिट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अभी समझ लेते हैं कि इसको कैसे लगाना है। बड़ा ही सिंपल है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि लिमिट प्राइस जब हमने करी तो अभी स्टॉक कितने का चल रहा है, 355.70 के आसपास। तो मैंने कहा कि मुझे ये स्टॉक जो है वो बाय करना है 356 में, जब ये 356 प्राइस टच करेगी तो मुझे बाय करना है 356 में,
और जो लॉस है वो मैं 5 रुपए का बियर कर सकता हूँ एक स्टॉक पे, और टारगेट 10 रुपए ऊपर जाए तो ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाए। इसके बाद है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका स्टॉक ऊपर बढ़ता है आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया तो अभी जो प्राइस है वो कितनी है 355.50 रुपए, और मैं मानता हूँ कि 356 रुपए पे आपको स्टॉक मिल गया, तो 356 रुपए पे मिल गया तो आपका स्टॉप लॉस कितने पे हो जाएगा 356 - 5 351 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस है। तो जैसे 356 से 357 हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस भी क्या होगा 351 से 352 हो जाएगा, और जैसे 357 से 358 होगा स्टॉक तो 352 से 353 हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग ऊपर बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बढ़ता रहेगा। इसमें एक बेनिफिट क्या है कि अगर मार्केट नीचे आता है, अगर एक बार आपका स्टॉप लॉस जो है बढ़ गया 353 पे आ गया और वापस स्टॉक गिर के 355 पे पहुंच गया तो आपका डिफरेंस कितना बचा 353 और 355 के बीच में, जबकि आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया था 5 रुपए। तो यहां पर क्या होता है कि स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बढ़ता तो है लेकिन वो नीचे नहीं आता वापस। तो यहां पर हमने देख लिया कि प्राइस में आप 356 पे लगाएंगे, तो अभी मैं इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा देता हूं क्योंकि 356 ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं 357 कर लेता हूं, स्टॉप लॉस और लगाता हूं। तो ये स्टॉप लॉस बेसिकली ट्रिगर प्राइस है। तो मैंने क्या किया यहां पर 356.50 रुपए लगा दिया। अब इसको एक बार ध्यान से समझ लेना कि अभी प्राइस चल रही है 356 रुपए, जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ना शुरू हुआ 356.50 रुपए पे पहुंचेगा तो आपका ऑर्डर जो है वह एक्सचेंज को जाएगा, और जैसे ही प्राइस 357 रुपए पे पहुंचेगी तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद आपका 2 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, एक टारगेट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्लियर है? तो यहां पर अब ये ऑर्डर मैं प्लेस करता हूं, तो यहां पर आपने देखा एक एरर मैसेज आया है। एरर मैसेज क्या है कि ड्यू टू एक्सपेक्टेड हायर वॉलिटिलिटी इन द मार्केट्स ब्रैकेट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड टेम्पररली। तो बेसिकली क्या है, योर ऑर्डर जो है ये इसी तरह से लगता है, फ्यूचर में अगर आपके वॉलिटिलिटी नहीं होती है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ लेकिन अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि ज़ेरोधा इस ऑप्शन को ओपन ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले जो ऑप्शन बताया है उसके अंदर मैंने यही बताया है कि किस तरह से आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ऑर्डर और एक टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं, और जब भी कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तो दूसरे ऑर्डर को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर ब्रैकेट ऑर्डर लगता ऐसे ही है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट याद रखिएगा। आगे आने वाले टाइम पे अगर ये वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है और ज़ेरोधा इसको अनेबल करता है तो मैं सेपरेट ब्रैकेट ऑर्डर का और कवर ऑर्डर का वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ब्रैकेट ऑर्डर ब्लॉक्ड है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन तरीका यही है जिससे आप इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कवर ऑर्डर की। कवर ऑर्डर में क्या है, आप 2 ऑर्डर लगा सकते हैं एक साथ। ब्रैकेट ऑर्डर में आपने कितने ऑर्डर लगाए थे, बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर, लेकिन कवर ऑर्डर में आप सिर्फ 2 ऑर्डर लगा पाएंगे, बाय ऑर्डर और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। टारगेट ऑर्डर यहां पे नहीं लगता है, ये बात याद रखिएगा। तो कवर ऑर्डर में क्या करना है आपको, कवर ऑर्डर में 2 ऑर्डर लग जाएंगे आपके, मार्केट और लिमिट। मार्केट का मतलब वही है कि जो भी मार्केट की प्राइस चल रही है उस मार्केट प्राइस में आपका स्टॉक जो है बाय हो जाएगा, और यहां पर आपको स्टॉप लॉस का ट्रिगर लगाना है कि आपका जो लॉस है वो आप कितना बियर करना चाहते हो। तो जैसे मैंने यहां लगा दिया 352 रुपीज पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाए। लिमिट आपको एक मिल जाती है और साथ में कि आपको स्टॉक कितने पे बाय करना है और कितने पे उसका स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे मैं ये ऑर्डर प्लेस करके बताता हूँ आपको, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 355.80 रुपए और स्टॉप लॉस ट्रिगर मैंने लगा दिया 352। कवर ऑर्डर लगाया है मैंने 355.65 रुपए भी प्राइस चल रही है, तो यहाँ पे मैं ये ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, बाय ऑर्डर में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवर ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, और कवर ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया है, यानी कि 352 रुपए पे जब इसकी प्राइस जाएगी तो मेरा जो लॉस है वो बुक हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर टारगेट ऑर्डर नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको ऑर्डर के अंदर जाकर यहां पर इसे एग्जिट पे क्लिक करना है और एग्जिट ऑर्डर पे क्लिक करना है, तो जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पे ये एग्जिट हो जाएगा और एग्जिट ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो पोजिशन में जाके देखते हैं, यहाँ सारी पोजिशन अब 0 हो गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहां पर मैं एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो यहाँ पर 10 रुपए, 11 रुपए, 15 रुपए का प्रॉफिट देखते हैं और वो ये समझते हैं कि उनको प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ जो 1 रुपए का प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट तो है, लेकिन मेरे जो चार्जेस हैं यानी कि जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं और जो टैक्सेस हैं वो तो मुझे पे करने होंगे। वो किस पे करने होंगे मुझे, ये ऑर्डर्स पे, मैंने इतने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं तो इन सभी ऑर्डर पे जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं और जो टैक्सेस वो सारे के सारे मुझे देने पड़ेंगे हर ऑर्डर के हिसाब से।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा जो लेता है वो लेता है फ्लैट ₹20 और 0.03% विच एवर इज लोअर। तो यानी अगर मैंने कम क्वांटिटी बाय करी है तो 0.03% से कैलकुलेट हो जाएगा, उतना ही मेरा चार्ज लगेगा। लेकिन हाँ, बहुत लार्ज क्वांटिटी में आप बाय करते हैं तो मैक्सिमम आपको ₹20 पर ऑर्डर आपको देने हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन होने के बाद में जो निकल के आता है तो ब्रोकरेज चार्जेस और टैक्सेस है वो आपके अकाउंट से कट जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि यार मुझे तो प्रॉफिट हुआ था, नुकसान कैसे हो गया? तो ज़ीरोधा तो बहुत सारे चार्जेस लेता है। तो ज़ीरोधा ही ऐसा है इंडस्ट्री में जो सबसे कम चार्जेस लेता है। बाकी सबके चार्जेस ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, वहां जाके आप देख सकते हैं कि कितने चार्जेस होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। बाकी चॉइस आपके ऊपर है, मल्टीपल अकाउंट्स भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपने ज़ीरोधा में अभी तक अकाउंट नहीं खुलाया तो ज़ीरोधा का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो जाके आप ओपन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।